देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। किसानों की जानिब से एक और बड़ा एहतजाज किया जा रहा है। इस्लामाबाद में इस वक्त ये एहतजाज शाम जा चुका है और धरने की सूरत इख्तियार कर चुका है। किसानों के हवाले से जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं किसानों को क्या हैं और उनके मुतालबात क्या हैं, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है महर अकमल साकिब साहब, वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं। जरा इनसे जानते हैं कि सूरत हाल क्या है और आगे क्या तब्दीलियाँ होती हुई नजर आ रही। कुछ अहम मुलाकातों की भी खबरें हैं, उन मुलाकातों के ऊपर क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। महर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम भाई। सर पहले तो ये बताएं कि ये जो किसानों का जो इस वक्त एहतजाज इस्लामाबाद में हो रहा है, जो धरने की सूरत इख्तियार कर चुका है, इसका बैकग्राउंड क्या है, जरा पहले बताएंगे। सर इसमें सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मशहूर हूँ कि आप इस्लामाबाद के मीडिया ने, आप लोगों ने हमारी आवाज जो है किसानों की बड़े अच्छे अंदाज में हुकूमती हवानों में पहुंचाई है। इसमें जो धरने की और प्रोटेस्ट की जो वजूहत है वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जो एग्रीकल्चर की है जी, वो इन्होंने बहुत ज्यादा महंगी कर दी है और उनपे 50% ऑलमोस्ट टैक्सेस अप्लाई कर दिए हैं, जिनमें ज्यादा भारी टैक्स एफपीए की सूरत में है जी। और बाकी टैक्सेस जो हमें इन्होंने पहले माफ किए हुए थे एग्रीकल्चर सब्सिडी के तहत, वो उन्होंने फिर से इन्होंने लागू कर दिए हैं। अब हम हर माह 12 जो एग्रीकल्चर की इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हर माह 60-70 हजार सिर्फ टैक्सेस के माध्यम में इनको कैसे अदा करें, हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है इनको महंगे बिल अदा करें। और ये कब से तब्दीली हुई है महर साहब, ये जो आप कह रहे हैं जो महंगाई की गई है, जो तब्दीली हुई है, कब से हुई है ये? जब से ये गवर्नमेंट पीडीएम की वजूद में आई है जी, इन्होंने टैक्सेस की भरमार कर दी है इलेक्ट्रिसिटी बिलों में। जो टैक्स हमें फर्ज करें सपोज 10 रुपए तक पड़ रहा था पर यूनिट, इनके आते हुए डबल ट्रिपल रेट हो गया जी। पहले हमें यूनिट रेट पड़ रहा था 12-15 रुपए इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस सही। अब जो एफपीए इन्होंने रेट बढ़ाया है वो सारी गैर यकीनी सूरत हाल होती है। हर महीने किसी महीने हमें 40 रुपए यूनिट पड़ रहा होता है, कभी किसी महीने हमें 80 रुपए फी यूनिट पड़ रहा होता है। और इसके अलावा क्या मामलात हैं महर साहब आपकी तरफ से, और क्या इश्यूज हैं जो आप चाहते हैं गवर्नमेंट की जानिब से हल किए जाएं? जी पहला बर्निंग इशू ये था, दूसरा सेकंड जो बर्निंग इशू है वो फर्टिलाइजर की नन अवेलेबिलिटी है, दस्तयाब नहीं है। यूरिया जो हम फसलों में डालते हैं उसकी बढ़ोतरी ग्रोथ बहुत अच्छी करती है यूरिया खाद, वो यूरिया खाद कंट्रोल रेट पे है ही नहीं। किसान बेचारा मारा मारा फिर रहा है पैसे लेके अपनी फसल के लिए यूरिया खाद लेने के लिए, यूरिया खाद कंट्रोल रेट पे है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, मिलती नहीं। ठीक है, और क्या मामला है इसके अलावा? जी इसके बाद डीएपी फर्टिलाइजर है, जो हम पहले 3-4 साल पहले 2500-2600 रुपए में डीएपी का पर एक बैग लेते थे, अब वो 15,000 रुपए का बैग हो गया डीएपी का। ये तो बड़ा इजाफा है, ये तो एक होशरुबा इजाफा है। इनपुट्स एग्रीकल्चर के जितने भी हैं इन्होंने 50% रेट बढ़ा दिए हैं। लेकिन महर साहब मुझे ये समझाएं ना कि जो इतने रेट बढ़ाए हैं इससे तो जो अजनास पैदा किया जाएगा, जो पैदावारी लागत है उसमें इजाफा हो जाएगा, तो ये आगे चल के तो आम आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ाएगा। जी जी हम भी इसलिए ये बगैरन तो बेशक कुछ दोस्तों को नजर आएगा कि ये किसान अपने लिए आए हुए हैं, अपने लिए तो आए हुए हैं लेकिन इन साइड हम पूरे मुल्क के लिए आए हुए हैं। अब देखिए अगर हम गंदम की अगर पॉलिसी अच्छा रेट नहीं देते हमारी इंपोर्ट्स महंगे इंपोर्ट्स के मुताबिक जी, तो किसान अपना खसारा तो नहीं करेगा ना गंदम काट करके। जब गंदम अच्छे लेवल पे काट नहीं होगी, बड़े पैमाने पे काट नहीं होगी, तो जहर है फिर खुराक का बुरान तो आना ही है पूरे मुल्क में। और महर साहब अभी तक आप कितने दिनों में इस्लामाबाद में मौजूद है, कितने दिनों से इस्लामाबाद में धरना जारी है और किस मुकाम तक पहुंच चुके हैं आप लोग? जी आज 6वां दिन है, यहाँ हम बैठे हैं भूखे प्यासे बैठे हैं, अपनी मदद के तहत अपना बंदोबस्त अरेंज किया हुआ है खाने पीने का, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह का कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। आज 6वां दिन है और कोई हुकूमती अहदेदार इस वक्त तक आपके पास आया, किसी ने बात की अपोजिशन से, कोई अहदेदार आया आपके पास? ना तो कोई अपोजिशन डेजिग्नेशन होल्डर आया है, ना ही गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉलीपॉप देने के लिए एक राणा सनाउल्लाह साहब है और तारिक बशीर भीमा, इन्होंने दोनों ने बारी बारी हमें थ्रेट किया है, डराया है, धमकाया है कि ये यहाँ से चले जाए, लेकिन हमारा तो फ्यूचर का मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम डर के अगर पीछे चले जाते हैं वापस चले जाते हैं। कुछ इस तरह की बात है महर साहब, क्या आपकी जहाँ पे आप लोग बैठे हुए, जहाँ पे आप लोग मौजूद है, उस तमाम तर इलाके को कंटेनर लगा के सील कर दिया गया और वहां पे अजनास की पहुंचना, पानी का पहुंचना, दीगर सहूलियात का पहुंचना दुश्वार बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही, चारों तरफ इन्होंने मेन रोड पे कंटेनर लगा के बंद कर दिया है,
ना हमारी वहां पे कोई गाड़ियां जा सकती हैं, ना कोई खुराक लेके आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। मैं साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन जहांगीर साहब आपने गुफ्तगू सुनी, महल साहब जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, किसान किसी भी मुल्क का, खासतौर पर किसी भी ज़रे मुल्क का एक अहम असासा होते हैं, और हम तो ये समझते हैं कि किसानों के हवाले से हमारे से मुल्क में बड़ा काम होने की जरूरत थी। यहाँ पे तो किसान 6 दिन से सड़कों पर मौजूद हैं, तो काश्तकारी के मामला, दीगर मामला तो सर पाकिस्तान में कहाँ चले जाएंगे। देखिए, इसका एक रुख तो ये है कि ये जद्दोजहद बिल्कुल साफ नज़र आ रही है, और जो इजाफे हुए वो बड़ी हैरत अंगेज है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, और जो सैलाब की जो कैफियत है, और उसके अंदर तो वैसे ही सारी चीज़ें डूब गई हैं, 3.5 करोड़ जो है आवाम है, और खेती बाड़ी सारी फसलें वसलें सब बर्बाद हुई है, और इतने टैक्सेशन। लेकिन एक ही एक एक सवाल है छोटा सा, कि इनसे ये आप ये पूछिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका क्या सियासी ताल्लुक़ है कि आप बनी गाला जा रहे हैं और उनसे इमदाद मांग रहे हैं, इसकी थोड़ी वजाहत। मैं सर ये ज़रूर बता दें, बल्कि इसके साथ एक चीज़ और भी जोड़ लें, क्या आप लोग की तहरीक इंसाफ से कोई वाबस्तगी है, और दूसरी जानब हुकूमती अहदेदारों की जानब से कुछ तस्वीर सर्कुलेट की गई हैं, और ये क्लेम किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि आपके और हुकूमत के दरमियान मामला तय पा चुके हैं, ये जरा इसको क्लैरिफाई कर दें प्लीज। गुड नहीं सर, ये अब मैंने भाई की बात सुनी है, ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ के साथ इनके कोई तलुकात है। हमारी लीडर किसान काज पे इसी सियासी जमात से वाबस्तगी के तहत इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा, और ना ही हमने किसी लीडरशिप से कोई इमदाद मांगी है कि हमें कोई फिगर नंबर दें या कोई हमें वोट, किसी से हमने कोई इमदाद नहीं मांगी। और बाकी जो सूरत हाल है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें सॉलिड यकीन जारी नहीं करवाएगी, ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि हुकूमत ने किसानों के मामलात को हल करने की यकीन दहानी दिलाई है, और वो किसानों के हवाले से काफी ज्यादा पुरजम भी नजर आते हैं, इस तरह के कोई मामलात हैं? देखिए ये पुरानी तस्वीर है, ये रिकॉर्ड पर। जी मैं साहब, जी जी आप इसे पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट की जा रही है, क्या वो मौजूदा दौर की मौजूदा हफ्ते की तस्वीर है या माजी की तस्वीर है जिसके हवाले से इस तरह की खबरें पेश की जा रही है? ये जरा क्लियर किसकी तस्वीर किसके साथ है? आपके कुछ रहनुमाओं की तस्वीर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम नून की जानिब से कि मामलात को तय कर लिया गया या मामलात तय होने के करीब है, इस तरह के मामलात हैं कोई? नहीं, हमारा किसी, मैं पहले मैंने पहले भी क्लियर किया है कि जो तस्वीर है हमारा किसी, ना तो किसी पीटीआई रहनुमा से कोई हमारी लीडरशिप ने कोई मुलाकात की है, और ना ही हमारी उनके साथ कोई तस्वीर है हमारी लीडरशिप की, और मुस्लिम नून के हवाले से मौजूदा हुकूमत के हवाले से, जी मौजूदा हुकूमत के हवाले से जो शहबाज शरीफ पीएम साहब के साथ की जो तस्वीर वायरल करके, जी जी वही मैं तस्वीर की बात कर रहा हूँ, जी जी जो प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है उसमें किसी तरह की कोई सदाकत नहीं है। ये तस्वीर आज रिसेंटली आज की नहीं है, मौजूदा नहीं है, जी 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 ये तस्वीर बहुत पहले की है, बहुत पुरानी है। जांगी साहब आपने गुफ्तगू सुनी, मैं सर मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, जांगी साहब आपने गुफ्तगू सुनी, जी असल में ये सवाल जो है ना इररिलेटेड शायद लग रहा था कि इसका क्या ताल्लुक बनता है कि आप किस सियासी जमात से ताल्लुक है आपका, और आप जो है इमरान खान के इतने करीब क्यों हैं कि उनके पास जो है वो, लेकिन यहाँ रिकॉर्ड पर तासुर देने की कोशिश, नहीं नहीं तासुर नहीं है, ये रिकॉर्ड पर मौजूद है कि इस तहरीक के सरबरा हैं ये किसान तहरीक के, वो ये कह रहे थे कि हम बनीगाला जा रहे हैं और उनसे ये सपोर्ट हासिल करेंगे, सपोर्ट हासिल की जा सकती है सर, और सियासी जमात लिखा था कि हमारा हमारी सियासी जमात के लीडर से जो है हम बात करके फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। साहब ऐसी कोई सूरत हाल है तो वाजे कर दीजिए। मैं इन हिसाब को क्लियर करना चाहता हूँ, अल्लाह के हवाले से ये ऐलान आगे उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, बनी गाला के हवाले से जो ऐलान हुआ वो हमने यूरिया खाद की जो सूबाई गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है जी, वहाँ हमने धरना देने जाना था बनी गाला, अच्छा कि हमने इमरान खान से कुछ सपोर्ट लेने जानी थी, हमने उसके खिलाफ एहतजाज करने जाना था, लेकिन वहाँ पे मौजूदा जो उनके खिलाफ रड गिरफ्तारी निकले हुए थे वहाँ पे आवाम और सिक्योरिटी के हालात वहाँ पे ऐसे नहीं थे जो हम वहाँ जा सके, ठीक है, और हमने उसकी हुकूमत पंजाब की जो है उसके खिलाफ, ठीक हो गया मेरे साहब आपका पॉइंट आ गया, जरा मुझे बताएं कि अभी मौजूदा इस वक्त सिनेरियो क्या है, कि आज को एक्सपेक्टेशन है कि मुलाकातों में ब्रेक थ्रू हो सके? ये कोशिशें चल रही हैं, और गुजरात मिनिस्टर की तरफ से कहा भी जा रहे हैं चला कोई
कोशिश करके मामला हल करवाने की। ठीक हो गया मैं साहब, आपके वक्त का, आपके मौकफ का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम हमें ज्वाइन किया। और जंगी साहब फाइनल कमेंट देते हैं, क्योंकि बड़ी क्लैरिटी नजर आई है किसानों में। देखें ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इससे हम इत्तेफाक भी करते हैं, उनकी हिमायत भी करते हैं कि जो है ज़ाहिर है कि इतना जुल्म होगा और जो है कई मैनी फोल्ड उनका इजाफा हो रहा है। और जो आज ट्रांसलेट कहाँ होना है, ये हम तक होना है ना जी, हम तक होना है ना, जो भी हमारी आवाज तो सुनाई नहीं रही, आपको बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है हम पे बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो है आप हमारी कुर्बत हासिल करें, हमारी आवाज कहीं ना कहीं मुझे तो ये महसूस होता है कि पाकिस्तान में मौजूद जो एग्रीकल्चर सेक्टर को है उसको तबाह करने की सोची समझी साजिश नजर आती है। और कहीं ना कहीं मौजूदा हुकूमत इसमें पूरी तरीके से मुलव्वस है कि अगर 6 दिन से किसान इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो उनकी सुनवाई होनी चाहिए थी, उनके मामलात को हल करना चाहिए था। और इस वक्त आलम यह है कि ना कोई हुकूमती अहदेदार किसानों के हवाले से किसी भी किस्म के इकदाम को करने में संजीदा नजर आता है, तो दूसरी जानब कोई भी हुकूमती नुमाइंदा इस वक्त तक मीडिया पर आके इस बात को क्लियर नहीं करने के लिए तैयार है कि जो किसानों के इशूज़ हैं, जो मुतालबात हैं, वो दरअसल क्या है और वो क्या चाहते हैं, और अगर उनको हल नहीं किया जा रहा तो उसके पीछे की वजूहत क्या है। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, अपने मेजबान मुनीम को इजाजत दीजिए। जंग साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं The Daily Show with Muneer Memon.